स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज यूनिट 7 रीड नंबर 1 पार्ट 4 द मैकेनिज्म बाय विच अ पर्टिकुलर स्मेल एक्टिवेट्स अ सर्टेन रिसेप्टर दैट इज व्हाई वन केमिकल स्मेल्स दस एंड अनदर स्मेल्स सो इज एज येट अननोन। तो जो भी मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का मतलब होता है जो एक तरीका है काम करने का, जिसे शुद्ध हिंदी में कहा जाए क्रियाविधि। तो जो क्रियाविधि है, जो तंत्र है, बाय विच अ पर्टिकुलर स्मेल एक्टिवेट्स अ सर्टेन रिसेप्टर, जिस तंत्र के तहत या जिस क्रियाविधि से हमारा जो पर्टिकुलर स्मेल होता है, जो भी किसी भी तरह का पर्टिकुलर कोई खास स्मेल हो, वो क्या करता है, कुछ रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। हमारे नेज़ल कैविटी में जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो रिसीव करते हैं स्मेल को और आइडेंटिफाई करके बताते हैं, तो सारे रिसेप्टर को जो स्मेल होते हैं, किसी भी तरह का स्मेल हो, सारे रिसेप्टर्स को एक्टिवेट नहीं करता, ऐसा इस लाइन के अनुसार पता चलता है। मतलब किसी खास तरह का स्मेल होगा तो हमारे नेजल कैविटी में रहे हुए रिसेप्टर्स, सभी रिसेप्टर्स को वो नहीं सक्रिय करेगा, एक्टिवेट नहीं करेगा, बल्कि कुछ ही रिसेप्टर्स को वो एक्टिवेट करेगा। और इसीलिए दैट इज़ व्हाई वन केमिकल स्मेल्स दस, एक केमिकल यानी रसायन कोई भी हो वो अलग स्मेल करता है, एंड अनदर स्मेल सो इज एज येट अननोन, और दूसरा केमिकल दूसरे तरीके से स्मेल करता है, ऐसा कहना अभी भी मतलब नहीं कह सकते निश्चित रूप से, ये भी अभी पता नहीं है। कहने का मतलब कि कोई केमिकल जिसकी स्मेल आपको लगती होगी कि हाँ इसकी स्मेल ऐसी ही होती है, तो ज़रूरी नहीं कि वो स्मेल सच में वैसी हो, क्योंकि वो आपके नेजल कैविटी में रहे हुए रिसेप्टर्स, कुछ ही रिसेप्टर्स को वो सक्रिय करती है। तो इसका मतलब वो केमिकल जो जिसकी जो गंध आ रही है, हो सकता है उसकी गंध और भी कुछ हो सक हो। Recently there have been suggestions that chemicals smelled as they did. Recently कुछ suggestions मिले थे, ठीक है, कि chemicals जैसे होते हैं वैसे ही smell करते हैं, because the overall shape of their molecules, क्योंकि उनके molecules जो है, जो कण है, जो अणु है, उनका जो overall shape है, ठीक है, उसके base पर हम कह सकते हैं कि chemicals जैसे होते हैं वैसे ही वो smell करते हैं, और बिकॉज दे पंक्चर्ड द मेम्ब्रेन्स ऑफ द स्मेल रिसेप्टर्स, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो पंक्चर कर देते हैं मेम्ब्रेन्स को, ठीक है। देखो, पंक्चर करने का मतलब ये होता है कि जैसे छेदना, वेदन करना, पर यहाँ पर पंक्चर करने का मतलब बिगाड़ देना। किसको बिगाड़ देते हैं? मेम्ब्रेन्स को बिगाड़ देते हैं। मेम्ब्रेन्स का मतलब झिल्ली, ठीक है, जो पतली लेयर होती है पर्दे टाइप का, उस मेम्ब्रेन को बिगाड़ देते हैं ऑफ द स्मेल रिसेप्टर्स, किसके, झिल्ली को। तो स्मेल रिसेप्टर्स जो हैं, जो रिसीव करते हैं स्मेल को, उनके मेम्ब्रेन्स को पंक्चर कर देते हैं, ठीक है। कौन कौन पंक्चर कर देते हैं? तो ये स्मेल्स। और बिकॉज द पार्ट्स ऑफ द सेम मैनर ऑफ पंक्चरिंग, हो सकता है कि सेम मैनर ऑफ पंक्चरिंग होता है, यानी कि एकदम सेम मैनर में ही ये जो स्मेल होते हैं वो मेम्ब्रेन्स को पंक्चर करते हैं, और द सेम फैशन ऑफ वाइब्रेटिंग, और हो सकता है कि एक ही तरीका हो, फैशन का मतलब यहाँ पर तरीका, सेम तरीका हो वाइब्रेटिंग, ठीक है, वाइब्रेट होने का, वुड ऑल स्मेल द सेम। तो ये सब कारण है, कुछ सजेशन मिले कि भाई जो ओवरऑल मॉलिक्यूल्स के शेप होते हैं उनके वजह से हमें सेम स्मेल आती है किसी भी केमिकल की, या वो मेम्ब्रेन को पंक्चर कर देते हैं, किसके मेम्ब्रेन को, स्मेल रिसेप्टर्स के मेम्ब्रेन को पंक्चर कर देते हैं। कौन पंक्चर करता है? तो स्मेल पंक्चर करता है, या तो एक ही तरह का पंक्चर करने का मैनर होता है स्मेल का, कोई भी स्मेल करे सेम स्मेल, और या तो एक ही तरह का वाइब्रेट होना स्मेल रिसेप्टर्स का, तो इसकी वजह से स्मेल सेम लगता है हमें। हाउएवर ऑल सच थियरीज आर येट ओनली एट द स्टेज ऑफ कंजेक्चर, ये सारी थियरी जो है, सारे सिद्धांत जो हैं, वो अभी भी ऑन एट द स्टेज ऑफ कंजेक्चर, वो कंजेक्चर के स्टेज पर ही है। कंजेक्चर का मतलब अभी भी अनुमान ही लगाया जा रहा है, अनुमान से ही निर्णय लिया जा रहा है, ठीक है।
वट एवर द मैकेनिज्म ऑफ स्मेल, स्मेल का कोई भी मैकेनिज्म हो, स्मेल की कोई भी क्रियाविधि हो, द सेंस इटसेल्फ इज मोस्ट रिमार्केबल। लेकिन सेंस की अगर बात करें तो वो अपने आप में ही रिमार्केबल है, सबसे ज़्यादा रिमार्केबल है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है। ऑल दो सम ह्यूमन सेंसेस कैन बी आउटडन बाई मैकेनिकल डिवाइसेज, स्मेल कैन नॉट। कुछ ह्यूमन सेंसेस को आउटडन किया जा सकता है, मतलब रोका जा सकता है। जैसे कि अगर आपको नहीं सुनना तो ठीक है, नहीं सुनने के लिए आप अपने कान में रुई लगा सकते हैं, या तो जो भी कोई ईयरफोन लगाकर आप सुन रहे हैं तो बाहर का सराउंडिंग जो आवाज़ होती है वो आपको सुनाई नहीं देती, तो वो आप आउटडन कर सकते हैं, मतलब उनको रोक सकते हैं सेंसेस को, ठीक है। लेकिन आप स्मेल को नहीं रोक सकते। स्मेल को रोकने जाएंगे नाक बंद करनी पड़ेगी। नाक बंद करने के लिए ऑब्वियसली आप रुमाल या हाथ का यूज़ करोगे और थोड़ी देर में आपको नाक खोलनी पड़ेगी क्योंकि सांस लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो स्मेल का आप कुछ नहीं कर सकते। द लिविंग नोज इज़ नॉट लाइकली टू बी रिप्लेस बाई एनी नॉन लिविंग कॉन्ट्रीवेंस इन फोरसीएबल फ्यूचर। जो लिविंग नोज है, नाक का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, नाक की जगह पे आप कुछ नहीं लगा सकते। जैसे कि कान में अगर कान का पर्दा फट जाए या तो नहीं सुनाई देता, कम सुनाई देता है, तो उसके लिए इक्विपमेंट हैं, ठीक है, आप इक्विपमेंट का यूज़ कर सकते हैं। आँख कम दिखाई देता है, हो सकता है उसका मतलब दूसरी आँख लग जाए, या कोई ब्लाइंड पर्सन है तो उसको कोई आँख दान में दे दे तो उसे लगाया जा सकता है। कम दिखाई देता है तो चश्मे भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन नाक को रिप्लेस या कुछ भी ऐसा किया नहीं जा सकता किसी भी नॉन लिविंग कॉन्ट्रीवेंस से, तो किया ही नहीं जा सकता। नॉन लिविंग का मतलब ऑब्वियसली आप जानते हैं, निर्जीव कॉन्ट्रीवेंस, निर्जीव कोई चीज़ वस्तु जिस जो कि एक तरह का उपाय हो, एक तरह की युक्ति हो। जैसे मैंने आपको बताया ना, कान में कोई भी इक्विपमेंट लगा लिया, वो एक नॉन लिविंग कॉन्ट्रीवेंस है, उससे काम चला लिया। तो नाक को रिप्लेस करके फोरसीएबल फ्यूचर में, अभी तो फोरसीएबल का मतलब नियर फ्यूचर में, यानी आने वाले भविष्य में, नाक को रिप्लेस करना असंभव है। दैट इज़ वाई, इसलिए इन एन एज ऑफ सुपरलेटिव मैकेनिज्म्स, ये जो एज है वो कैसा मैकेनिज्म है, सर्वश्रेष्ठ मैकेनिज्म, सॉरी मैकेनाइजेशन का एज है, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। और मैकेनाइजेशन का मतलब यंत्रीकरण, आजकल यंत्र जो बनाए जा रहे हैं सर्वश्रेष्ठ बनाए जा रहे हैं, तो ये वो युग है। इस युग में भी जो मास्टर शेफ है, जो खाना बनाना जानते हैं, टी टेस्टर है या परफ्यूम कंपाउंडर है, आर लाइकली टू रिमेन इम्यून, वो इम्यून रहेंगे। इम्यून का मतलब सक्रिय रहेंगे, बने रहेंगे, बचे रहेंगे। अगर हम बात करें पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट की, अगर फ्यूचर में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने लगे, तो भी ये जो मास्टर शेफ है और टी टेस्टर है, परफ्यूम कंपाउंडर जो भी होते हैं, ये इनकी नौकरी तभी भी बची रहेगी, क्योंकि टेस्ट, आप कहने का मतलब टेस्ट जो है और फ्लेवर जो है वो हम ही बता सकते हैं, हमारी नाक बता सकती है, कोई मशीन अभी इसके लिए बनी नहीं है और हो सकता है फ्यूचर में भी ना बने। तो ऐसे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट वाले युग में भी ये इम्यून रहेंगे, मतलब बने रहेंगे, ये प्रतिरक्षित रहेंगे, अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, इनकी नौकरी कहीं जाएगी नहीं, ऐसा लगता है। थैंक यू।